हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी रुपेश की कहानी। दोस्तों, एक बहुत नादान लड़का था, हजारीबाग का रहने वाला, बरही जिले के। उसकी क्या कसूर थी कि लोगों ने उसको मार मार के हत्या कर दी? क्या उसका गुनाह था? क्या वो कमज़ोर था शरीर से? क्या मुस्लिम लोग उसे समझ नहीं सकते? क्या मुस्लिम लड़कों ने उसे छेड़ा? इस वीडियो में सारी चीज़ें हम जानेंगे। दोस्तों, हजारीबाग का रहने वाला एक लड़का शाम के समय पे वो दुकान में बैठा था। कुछ मुस्लिम लड़के 25 से 30 बंदे उसको उन्होंने बुलाया। बुलाने के बाद उसको जब तक मारा जब तक वो मर नहीं गया। मरने के बाद क्या किया उन लोगों ने? रोड के किनारे फेंक दिया। और जब तक उसकी सांसें चली, जब तक लोगों ने उसे मारा। क्या गुनाह थी? मुस्लिम बंदे ऐसे क्यों किया उन्होंने? ये गलत है। किसी भी इंसान का जान लेना बहुत गलत है। इसके लिए गवर्नमेंट कुछ कानून नियम बनाए, नहीं तो ऐसे न जाने कितने लोगों की जान जा सकते हैं। ये बहुत जो हुआ, ये दर्दनाक घटना, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी बच्चे का, किसी भी लड़के का, लड़की हो, क्यों किसी को सरेआम पीटना? क्या किसी को मार देना मौत से? क्या ये पागलपन नहीं है? कितना बेकसूर था वह लड़का। पर ये गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हाँ, ये मारपीट तो कभी भी किसी भी समुदाय के लोग को करना नहीं चाहिए, बट ये हिंदू मुस्लिम का कुछ ऐसा चल रहा है सीज़न, तो बिल्कुल ये चीज़ें को गवर्नमेंट क्लोज करे। आप लोगों से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है। और जो रुपेश बहुत ही मासूम लड़का था, जिसकी मौत हजारीबाग के मुस्लिम जो है कुछ, वो उन्होंने पीटकर अधमरा और पूरी मार दिया। जब तक उसकी सांसें बंद नहीं हुई, वहाँ से वो गए नहीं। और लास्ट में उन्होंने क्या किया? रोड के किनारे उसे फेंक दिया। फ्रेंड्स, इस वीडियो को बहुत ज़्यादा वायरल करो और उस बंदे को इंसाफ ज़रूर दिलाओ। रुपेश, जस्टिस फॉर रुपेश। थैंक यू फ्रेंड्स।